स्क्वायर से हाई। तो y को हम कितने वेज में ले सकते हैं? 4 वेज में। सो अब आपको पता है आई का साउंड क्या होता है? व्हाट सेज आई? आई सेज ई। आई सेज ई। सो लेट्स सी ई ई इंपोर्ट एंड ई ई आई सी ई ई इग्लू। सो व्हाट इज द साउंड ऑफ आई? आई सेज ई। सो गाइस नाउ लेट्स सी टू लेटर वर्ड्स, ओके? सो वी कैन अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ आई मच बेटर, ओके? सो हियर आई एम टेलिंग व्हाट इज दिस? दिस इज आई एंड द साउंड ऑफ आई इज ई। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज जी एंड साउंड ऑफ जी इज ग। सो हम दोनों वर्ड्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ई ग इग। क्या बनेगा? ई ग इग। अच्छा हम और एग्जांपल देखते हैं। सो अब व्हाट इज द साउंड ऑफ आई? ई। एंड यहां पे मैंने क्या लगा दिया? डी। एंड द साउंड ऑफ डी इज ड। ई ड इग। ई ड इग। ओके लेट्स सी अनदर वन। So, here I am placing N. So, sound of I is I and sound of N is N. I, N, N. I, N, N. Okay, now let's see another one. So, here I am placing M. Sound of I is I and sound of M. किसी को पता है M का sound क्या होता है? M का sound होता है म। तो ई म एन। ई म एन। ओके लेट्स सी अनदर वन। सो हियर क्या मैंने पेस्ट किया? मैंने पेस्ट किया टी। तो टी का साउंड क्या होता है? ट। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ई ट एन। ई ट एन। ओके सो लेट्स सी वन मोर। इसका आप लोग अच्छे से देखना और सब गेस करो। आई का साउंड क्या होता है? ई। और व्हाट इज द साउंड ऑफ पी? द साउंड ऑफ पी इज प। तो अगर हमने इन दोनों को जोड़ा तो क्या बनेगा? ई प इप। क्या होगा? ई प इप। तो किड्स ये क्या थे? ये सारे हमारे थे टू लेटर वर्ड्स। आई साउंड से क्या थे? ये लेटर वर्ड्स। ओके okay?